चूंकि नगर निगम नगर के विकास और स्वास्थ्य की एक बड़ी इकाई मानी जाती है और नगर निगम चूंकि चुनी हुई परिषद नहीं है, इसलिए आयुक्त का बड़ा इस समय इंदौर जैसी जगह बड़ा महत्व है। खास बातें ये थी कि शहर भर में हमारे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे लीडर अपोजिशन, ये सारे लोग रोज घूमते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है शहर में, उन गरीब बस्तियों में, उस मजदूर वर्ग में जो एक टाइम कुआं खोदते और एक टाइम पानी पीते, उनकी दशा सबसे खराब है। अनाज का वितरण आज तक उनको नहीं हो पाया, जबकि कोरोना का पिक टाइम चल रहा है और लॉकडाउन लंबे समय से शहर में है। तो उन लोगों को ना घर से निकलने की परमिशन है, ना उनके पास पैसा है कि वो भंडारण कर सके अनाज का। तो हमने नगर निगम आयुक्त से, प्रतिभा जी से कहा कि तत्काल आप चालू करें, उन गरीब बस्तियों का, उन लोगों का परीक्षण कर लें जिन लोगों के पात्रता पर्ची नहीं है, कई इतने गरीब हैं नहीं बना पाए, इन सबको अनाज मिलना चाहिए, 3-3 महीने का राशन। तो मैं समझता हूँ कि आयुक्त इस बात से सहमत थी और 1-2 दिन में वितरण चालू हो जाएगा। लेकिन पिछली बार कोरोना के काल में ये देखने में आया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बपौती समझती है। उन्होंने जब ये राशन का वितरण हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की पर्ची डाल देते थे, चिपका देते थे, जैसे कि इनके पिताजी दे रहा हूँ। तो वह हमने कहा कि इस पर नज़र रखिए, आपराधिक प्रकरण बनाइए, यदि भारतीय जनता पार्टी का आदमी उसमें पर्ची डालता है, उस राशन के किट में, तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।